हाय शार्क्स, हेलो। लखनऊ का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? खाना, शेरो शायरी या फिर बात करने की अदब? ऐसी लखनऊ के कोने कोने में एक नया कलाकार है एंड ऐसी ही एक कला सालों पहले बेगम नूर जहान ने दुनिया भर में मशहूर की थी, वो है हमारी चिकनकारी। एंड ये इतनी फेमस है दैट इसको लखनऊ का GI टैग भी मिला है। एंड चिकनकारी बहुत इजीली आपको मिल तो जाती है, बट ये इंडस्ट्री बहुत अनऑर्गेनाइज है, जिस वजह से कस्टमर्स को क्वालिटी अश्योरेंस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द कारीगरी, जो हैंडवर्क है, वो नहीं मिल पाता। एंड उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम माँ बेटी ने स्टार्ट किया हाउस ऑफ चिकन का। अरे बहुत अच्छा, वेरी नाइस। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम है आकृति रावल। नमस्ते, और मैं हूँ पूनम रावल, और हम दिल्ली से आए हैं। हम हैं फाउंडर्स हाउस ऑफ चिकनकारी के। हाउस ऑफ चिकनकारी एक ई कॉमर्स ऑनलाइन ब्रांड है, जहां हम अपने चिकनकारी को मॉडर्न स्टाइल में और लोगों को दुनिया में कोने कोने तक पहुंचाते हैं। एंड हमारी 2 साल की जर्नी में हमने 5,000 से ज्यादा विमेन कारीगर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी है एंड 15,000 से ज्यादा कस्टमर्स हमारे वेबसाइट से शॉप कर चुके हैं। हमारी विजन यही है, हम इस क्राफ्ट की ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करते हुए इसे एक मॉडर्न ऑडियंस के लिए रेलेवेंट बना पाए। एंड उसी विजन को पूरा करने के लिए आज हमारी आस्क 75 लाख और 1% ऑफ आर इक्विटी है। हमें ये पूरा विश्वास है दैट चाहे पुरुष हो या नारी, सबको भाएगी भारत की चिकनकारी। पूनम जी, आकृति जी, आपका शार्क टैंक पे बहुत बहुत स्वागत है। आप दोनों माँ बेटी हैं? हाँ जी। तो विनीता जानना चाहेंगी आप कैसे मिली? हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं काम। हाँ जी। तो आप दोनों ने कब शुरू किया ये? जब कोविड के दौरान लॉकडाउन में मेरे को बहुत पैशन था अपने ड्रेस डिजाइन करने का। हाउसवाइफ थी तो मैं कुछ ना कुछ डिजाइन करती रहती थी, कुछ भी नया नया, तो जिससे एम्ब्रॉयडर और टेलर मेरे टच में रहते थे। लेकिन वो लॉकडाउन के पीरियड में मेरे एक हाथ के कारीगर ने मुझे अप्रोच किया काम के लिए, तो मुझे लगा कि चलो इससे, मैंने ऐसे ही डिस्कस किया कि भाई ऐसे ऐसे उसको प्रॉब्लम है, हाथ की कढ़ाई है, तो अगली रिसर्च इन्होंने स्टार्ट करी, ये बताएंगी क्या किया इन्होंने। मैंने अपना अंडरग्रेड लंदन से कंप्लीट किया, किंग्स कॉलेज लंदन से। 2018 में ग्रेजुएटेड, मैं 2019 में इंडिया वापस आई थी एंड मैंने एक साल एक फैशन स्टार्टअप के साथ 2019-2020 कोविड में काम करा था। उस टाइम पे जब ये आया प्रोडक्ट का और कारीगर वाला चीज, तो मैंने हैंड एम्ब्रॉयडर इंडस्ट्री पे बहुत रिसर्च करी। एंड आप थोड़ा साइड हो जाएं कि हाथ बहुत चल रहे हैं, लग ना जाए। वैसे कंटिन्यू प्लीज। देन इन्होंने मुझे अपनी क्लोजेट से चिकनकारी कुर्ताज दिखाए एंड देन मैंने इनसे पूछा कि आप मेरे को बताओ कि इसका क्या प्राइस है, एंड देन शी सेड 2500 रुपए। एंड लाइक यू नो दैट मोमेंट व्हेन इट हिट्स यू, दिस इज इट। लाइक मेरे लिए वो मोमेंट था, क्योंकि वो 2500 की चीज है, वो हाथ से बनी है एंड आज लोग खड़े खड़े मशीन मेड चीजों के लिए, you know, तो तब जाके आपकी जर्नी शुरू हुई। हाँ जी। अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं, चिकनकारी क्या होता है? लखनऊ के आसपास यूपी में जितने भी गांव हैं, जहां पर 10 लाख से ज्यादा आर्टिसंस कारीगर सिर्फ इस आर्ट फॉर्म को सदियों से कर रहे हैं, उनकी फैमिली। मतलब ये हैंड एम्ब्रॉयडरी? हाँ जी, ये सब हैंड एम्ब्रॉयडरी है। तो लाइक अगर आप देखेंगे, थोड़ा अमन सैंपल्स देखना चाहोगे? हाँ, एक्चुअली आई विल शो द प्रोडक्ट, आप टच करके देखेंगे। ये वाला मेन का है, ये द ग्रीन वन। हाँ जी, आई लव चिकनकारी। ये क्या, ये कुर्ता है? अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो आप डिफरेंस कैसे पता लगा सकते हैं चिकनकारी एंड मशीन मेड चिकनकारी में? जो लंबे थ्रेड्स निकल रहे हैं वो एक्चुअली हैंडवर्क की पहचान है। हमारी प्राइस रेंज जो स्टार्ट होती है वो 2350 फॉर कुर्ताज, जो मैं आपको बता रही हूँ, जो बेस्ट सेलिंग कैटेगरी भी हमारे लिए, से लेकर 6,000 to 7,000 फॉर हैवी सेट्स, लाइक जैसे आप ये देख रहे हैं जो सेट है, ये 7,000 के अराउंड है ग्रीन। आप लोगों को फर्क पड़ता है मशीन और Yes. मैं जब भी लखनऊ जाती हूँ मैं वहाँ जाके लोकल दुकानों से खरीदती हूँ, बिकॉज मेरी मॉम मदर इन लॉ दोनों को ये हैंडमेड जो लखनऊ में बने हैं वो बहुत पसंद है। Okay, ये मैं सिर्फ इतना कहना चाहता था, बहुत सुंदर है और जिस हिसाब से आपने लेबल पे पर्सनलाइज किया ना, आई एम 100% आर्टिसनल, आई एम टू बी हैंडल्ड बाय केयर, तो अच्छी मार्केटिंग और कम्युनिकेशन।
बीबा डब्लू रितु कुमार के चेन्स हैं इसमें और भी बहुत लोग आए हैं, वो लोग नहीं करते हैं प्रोडक्ट्स? फैब इंडिया डज चिकनकारी, बाकी लोगों में मैंने इतना अभी तक नहीं देखा है। फैब इंडिया और उनमें फर्क क्या है, मेन क्या है? उनके पास एक दो पीसेस होते हैं ना, यहाँ आपको पूरी रेंज ऑफ वैरायटीज मिलती है ना, आपको पूरा एक फोकस। आप नंबर वन है इसमें ऑनलाइन? I would like to believe that we are. Offline also you are number one. अभी दो साल में हम सिर्फ अपनी वेबसाइट पे, हम मार्केट प्लेसेस पे भी नहीं गए, हमें जाना है, वो हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो रेडीमेड आप साइजेस पहले से बनवा के रखते हैं, ऑर्डर आता है डिस्पैच कर देते हैं? हां जी। आपकी सेल्स का बताएंगे आप? हां जी, फाइनेंशियल ईयर 21 में हमने 33 लाख किया था, 22 में हमने 3.3 करोड़ किया, वेरी नाइस, एंड अभी हम ऑलरेडी अप्रैल टू सितंबर 7.4 करोड़ कर चुके हैं। वाओ, वेल डन। We are expecting at least minimum to touch 15 crores in financial year 23. Very nice. Very nice. And you're doing it all by yourself? Yeah, us and obviously our team. Like we have 70 people in our team, so. 70? Yeah, 70. 60 are operations. 10 are in like management. Are you making, matlab paisa bana rahe ho ya? Haan ji. Kitna kaisa banaya? So, humara gross margin around 68 to 70% on average hai last 6 months ka. And humara net profit average is 15. Last month humara 17% tha net profit. Aur kitna bana loge is saal? Profit 15 crore pe net profit 15 crore pe 17% is what I think, matlab 2 crore ke aas pass. Haan ji. Acha, last month aapne sales nahi bataya? Last month sales hamari 1.82 crores 1.82 crores to sirf 15 crore kyu karenge? Is that because of the season festive? हाँ जी। You must have raised investment, कुछ पैसा raise किया? तो अभी तक हम bootstrapped हैं। Amazing। मेरे dad ने invest किया business में। कितना? First about 70 lakhs he's invested। कितनी equity दी उनको? मतलब उनके 25% है। Well done, 70 लाख को उन्होंने मतलब कमाल कर दिया। What a great businessman। मुझे ना आपके कस्टमर्स को अंडरस्टैंड करना है, तो सबसे पहले आपके कस्टमर्स कहाँ से आते हैं? करंटली 33% सेल्स आर इंटरनेशनल। कहाँ, मतलब इज इट जस्ट दो तीन कंट्रीज के काफी? 33% इज ऑल 6 to 7 मेजर कंट्रीज, 14% उसमें से हमारा यूएस है, 5 इज ऑस्ट्रेलिया, 4 इज यूएई, एंड कैनेडा यूके इज अराउंड 3 ईच। कौन सी कैटेगरी सबसे ज्यादा बिकती है? स्ट्रेट कुर्ताज एंड कुर्ता सेट्स, स्ट्रेट कुर्ताज अकाउंट फॉर 47% ऑफ आवर सेल्स। ओके, एंड रिपीट कस्टमर्स क्या है आपके? 33% ऑन एन एवरेज। या इन्वेंटरी कितने महीने की है और डेड स्टॉक परसेंटेज, ये दो नंबर बता। अभी हमारे पास इन्वेंटरी जो इन हाउस है वो नेक्स्ट 2 मंथ्स की रेडी है। लास्ट मंथ हमने 5500 पीसेस भेजे थे, तो अब 10,000 से 11,000 पीस इन स्टॉक है। ओके, एट डेड स्टॉक 10,000 में से अप्रोक्सीमेट आइडिया अगर मैं दूंगी तो वो अभी इस टाइम पे 400-500 से ज्यादा नहीं होंगे। आप मुझे अपना प्रोसेस बताएंगे, तो आप कैसे मैन्युफैक्चर कराते हैं, क्या सप्लाई चेन है? अक्टूबर 2020 में हमने लॉन्च किया था ब्रांड। पहले 10 मंथ्स के लिए इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पे हम ऑर्डर्स लेते थे और मैं अकेले उस टाइम पे मैनुअल ऑर्डर्स लेती थी। वेरी गुड। जब हमने वेबसाइट लॉन्च किया जून 2021 में, हमारी सेल सीधा 5x हो गई उसमें। वो एक महीने ने हमें रियलाइज कराया कि कितना मिस्ड पोटेंशियल था, क्योंकि कितना पीपी और डीएम्स का आप रिप्लाई कर लो। गॉट इट। एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन, जो आप पूछ रहे थे, प्रोसेस हमारा ये रहता है दैट हमारा डिजाइन प्रोसेस, डिजाइंस हमारी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स से शेयर करते हैं, एंड उसके बाद हमारे मैन्युफैक्चरर्स हमें सैंपल रेडी करके भेजते हैं, क्योंकि ये बहुत अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है, उन लोगों ने इतने सिस्टमैटिक वे में एक तो काम नहीं करा है, बहुत डिफिकल्ट है उसको सिस्टमाइज करना भी, क्योंकि वो लोगों को समझ नहीं आता कि अच्छा डिजाइनर डिजाइन भी भेजता है। Got it. आपको क्या चीज ड्राइव करती है? What is your motivation? मुझे ड्राइव सीखने से मिलती है। तो लास्ट 2 साल में क्या सीख लिया आपने? I think my biggest learning is कस्टमर को समझी हूँ मैं, क्योंकि 10 महीने मैंने हर कस्टमर से अकेले बात करी है। आज भी हमारे वो कस्टमर्स आते हैं और वो बोलते हैं मुझे आकृति से बात करनी है, एंड आई एम ऑलवेज देयर, आई वांट दैट यू नो टच, क्योंकि वो मैंने खुद शुरू किया था। कस्टमर्स के बारे में मैंने सबसे ज्यादा सीखा पर्सनली, आई थिंक मैंने कामनेस सीखी। तो मतलब ऐसी छोटी छोटी बहुत बातें, लाइक दिस इज जस्ट एक एग्जांपल है ये। बहुत अच्छी, ठीक है, मैं आपको ब्रेक देना चाहता हूँ 2 मिनट की, मैं पूनम जी से बात कर लूँ। हाँ जी, प्लीज। पूनम जी, कैसा लग रहा है आपको ये, इन 2 ईयर्स आपने इतना बड़ा बिजनेस बनाया है? आकृति का जैसे जो सपना था, क्योंकि मैं तो माँ, मुझे पता है मेरा बच्चा बचपन से मुझे यही कहती थी कि मुझे अपना ब्रांड बनाना है, मैं तो यही सुनती थी हमेशा इसके मुँह से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो कैसे होगा, इसको भी नहीं पता था क्या होगा, लेकिन जो भी हमारी जर्नी ऐसे हुई तो मुझे तो बहुत अच्छा, इससे ज्यादा मुझे वो बच्चे जो मेरे घर पे जितने हेल्प्स के बच्चे थे, मेरी जो घर पे सफाई करने आती हैं, जैसे उनकी डॉटर आई गांव से, उसने किया, गार्ड के बच्चे आए, ड्राइवर के बच्चे, मालिक की बीवी, आज वो सब सुपरवाइजर है, आपको उसी से खुशी है? जब यहाँ खड़े हैं वो सब संभाल रहे हैं ऑफिस, देखिए। आकृति, आप इमोशनल क्यों हो रही हो? ए आकृति, ऑल ओके?
खुशी के आंसू है, आई होप। मम्मी जी, पूनम जी, एक हग कर दो, हग कर दो एक। इसने मुझे बहुत पक्का किया था कि आप नहीं रोगे। नहीं, वो खुश है ना कि उसका सपना पूरा हुआ है, मम्मी खुश है। ये एक चीज है, जब ये बाहर जब पढ़ रही थी, इसका भी एक सपना था कि मेरी माँ बिजी हो जाए किसी तरह। और ये सेवा ही लगाई है, उन बच्चों की जिंदगी बन रही है, इसकी बनी तो दोनों उन चीज़ों बच्चों की बन रही है, और गांव में कितने लोगों को सपोर्ट हो रही है, तो ये मेरा भी एक मतलब एक जिंदगी का एक पर्पस मुझे भी तो मिला। चलो मैं आपको ऑफर देता हूँ एक। मेरे को ना सबसे अच्छी बात पता क्या लगी, कि आपने कस्टमर से अपने आप बात करते हो, वो मैं भी करता था, मुझे वो बहुत क्रेजी लगता है, क्योंकि अगर आप अपने कस्टमर से बात करते हो ना, आपको एक्चुअल पता लग जाता है। आपका रिलेशनशिप मेरे को बहुत अच्छा लगा, चुम्मा बेटी का है, हसलर हो आप। और पूनम जी, मेरे को एक चीज ये अच्छी लगी कि आपने अपने जो आसपास लोग थे ना जिनका आप ध्यान रखते हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको ऑफर देता हूँ 75 लाख फॉर 5%। मैं अपना डिसीजन बता देती हूँ। फर्स्टली हैट्स ऑफ टू यू, बट ब्रो को सोलो जाना है और भाई से मैं लड़ नहीं सकती, एंड फॉर दैट रीजन आई एम आउट, बट आप इन्हें ही डील दीजिए, बिकॉज़ देन आई विल बेनिफिट अ लॉट। थैंक यू सो मच। नमिता, आपको लगता है मुझे नहीं मिलनी चाहिए डील? नहीं, भाई को मिलनी चाहिए। ओह माय गॉड, फेवरेट चाके मेरे। आकृति और पूनम, आपका यू नो अभी तक का जो परसिस्टेंस है कि आपने अपने कैश से इतना बड़ा बिजनेस बनाया, इनक्रेडिबल है। थैंक यू सो मच। तो मैं और अनुपम आपको ऑफर देते हैं 75 लाख रुपीस फॉर 6%, क्योंकि हमें यू नो 3% ओनरशिप चाहिए, जिससे हम इसमें अपना टाइम एंड एफर्ट ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, आपको हेल्प कर सके बोथ इन परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड ब्रांड बिल्डिंग। थैंक यू सो मच। देखो, व्हेन यू एंटर ना यहाँ पे, आप आए सूट लगा हुआ था, तो मैंने अपने मन में एक दिमाग बनाया था, मैं शायद इन्वेस्ट नहीं करूंगा इस बिजनेस में, बट एज एन एंटरप्रेन्योर दैट टेक्स प्रेसिडेंस, मतलब तो आई एम कन्वर्टेड नाउ। Because आपसे मैंने पूछा था कि आप क्या enjoy करते हैं, और आपने कहा आप learning enjoy करते हैं, right? And that is my motivation also. मैं आपको offer देता हूँ 75 लाख 5%, और अगर मेरे साथ अमन जुड़ना चाहते हैं तो मैं उसके लिए okay हूँ। ठीक है, मैं पीयूष के साथ आता हूँ। आप लोग 75 लाख फॉर 2% कंसिडर करेंगे? 2% नहीं, ये जो मेंसा और ये जो है ना, ये सब 5 टाइम एबिटा पे बिजनेस रोल अप करते हैं, हम आपको भी 10 टाइम दे रहे हैं, अज्यूमिंग कि बिजनेस इसी रेट पे ग्रो करता जाएगा। ये मैंने तो वैल्यूएशन मैथ ऐसे निकाली थी। आई एम विलिंग टू डू इफ अमन इज ओके 75 लाख फॉर 4% लास्ट। चलिए, हमने मैच किया 4% 75। अमन एंड पीयूष, वुड यू गाइस बी विलिंग टू कंसीडर फॉर 3%? वी क्लोज द डील राइट? यार मुझे एक बात बताओ, अब आपको हमने ठीक है, तो आई विल डू वन थिंग, आई विल नॉट 4%, यू नो सिंस वी आर नेगोशिएटिंग, वी विल क्लोज इट, आई विल से द फाइनल फिगर एंड लेट्स जस्ट क्लोज इट, ठीक है? ओके, सो आई विल से 75 लाख for 3.75%. That's okay. Okay, done. Let's do it. Good job. Well done. Thank you so much for the offer. And Poonam ji, I'm sorry, I had to choose. I wish I could get everyone. You are a great entrepreneur and good choice. मैंने life में नहीं सोचा था, life में मैंने भी मैं जब आया था ना, मैं 15 मिनट में आउट होने वाला था, 15 मिनट में आपने जो कन्वर्ट किया है ना, आपने और आपने भी। This is an amazing deal. Two men supporting two women for chicken curry. Wow. Now I have another reason to go to Lucknow. Thank you so much. And I have another reason to have another chicken curry in my